अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक तथा प्रहार जनशक्ति पार्टी के सर्वेसर्वा ओम प्रकाश यानी बच्चू कड़ू महायुति सरकार से नाराज हो गए हैं। उन्हें बुधवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा मुंबई के 5 सितारा होटल ताज लैंड्स में आयोजित भोज में नहीं बुलाया गया, जिससे माना जा रहा है कि प्रहार और महायुति के संबंध टूटने के पूरे चांस है। विधायक बच्चू कड़ू ने एक भेंट में यहां तक कह दिया कि अब भले ही उनकी छाती पर तलवार रखकर भी कहा जाए तो भी वे अब मंत्री पद की शपथ नहीं लेने वाले। विधायक बच्चू कड़ू ने कुछ और चर्चित विषयों पर भी बात की, जिससे उनकी एकनाथ शिंदे से अनबन बढ़ जाने के संकेत मिल रहे हैं। टीम इंडिया में चुने गए अमरावती के विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा अब इतिहास रचने की कगार पर हैं। संजू सैमसन के स्थान पर जितेश को 18 अगस्त से शुरू हो रही 3 T20 मुकाबलों की श्रृंखला में अवसर मिल सकता है। जानकारों ने भी जितेश शर्मा के अंतिम 11 में सहभागी होने का भरोसा जताया है। IPL में पंजाब की टीम की तरफ से खेलते हुए जितेश शर्मा ने जमकर जौहर दिखाया था, जिसके बलबूते BCCI की चयन समिति ने जितेश शर्मा को अवसर देते हुए आयरलैंड भेजा। अमरावती से सीधे टीम इंडिया में स्थान पाने वाले जितेश शर्मा पहले क्रिकेटर हैं जिनके प्रदर्शन को लेकर स्थानीय खेल प्रेमी अब काफी उत्सुक व आशावान है। परसों 19 अगस्त से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है और कई हिस्सों में मूसलाधार बरसात होने की संभावना है। विदर्भ क्षेत्र में 18 अगस्त से ही जोरदार बारिश होने का येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। साथ ही मुंबई व परिसर में अगले 24 घंटे के दौरान बरसात तेज होने की संभावना जताई गई है। विगत एक पखवाड़े भर से बारिश नजारद रहने के चलते सभी लोग चिंता में पड़ गए थे। जिला सामान्य अस्पताल यानी इरविन हॉस्पिटल के शीघ्र ही सरकारी मेडिकल कॉलेज का हिस्सा बन जाने से पहले स्वास्थ्य महकमे द्वारा लागू की गई निःशुल्क उपचार योजना का सभी प्रकार के मरीजों को लाभ दिया जा रहा है। 15 अगस्त को पहले ही दिन 800 लोगों ने इरविन अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों को अपनी पीड़ा बतलाई और अपना इलाज करवाया। जारी सप्ताह के दौरान लगातार आई छुट्टियों के कारण चिखलदरा में पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि दिखाई दी। 11 से 16 अगस्त तक चिखलदरा नगर पालिका को राजस्व कर के तौर पर 8 लाख रुपए की आय हुई। यद्यपि पर्यटन नगरी चिखलदरा में हजारों की संख्या में 2-व्हीलर 4-व्हीलर वाहन के साथ पर्यटक पहुंचे, लेकिन चिखलदरा पुलिस थाने द्वारा किए गए नियोजन के कारण छिटपुट घटनाओं के अलावा कोई बड़ी दुर्घटना अथवा झगड़े फसाद जैसी स्थिति नहीं बनी। विभागीय क्रीड़ा संकुल को आजादी के पर्व पर नए जिलाधीश सौरभ कटियार तथा जिला परिषद के CEO अविशान पंडा ने भेंट दी। खेलों के प्रति विशेष रुचि होने से कलेक्टर कटियार ने क्रीड़ा संकुल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जाना। उन्होंने खेल उप संचालक विजय संतान तथा खेल अधिकारी वर्षा सालवी व संजय पांडे से बातचीत करते हुए विस्तार के साथ जानकारी ली। चित्र टॉकीज के पीछे स्थित सतीधाम कॉम्प्लेक्स में शिवचंद्र राय झुंझुनवाला चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा शहर में पढ़ाई लिखाई हेतु रहने वाले राजस्थानी छात्रों के निवास की सुविधा हेतु श्री मधुसूदन झुंझुनवाला स्मृति छात्रावास स्थापित किया गया है, जिसका आज गुरुवार 17 अगस्त को सुबह 11 बजे समारोह पूर्वक उद्घाटन किया गया। इस समय श्री रानी सतीधाम में चल रही भागवत कथा सुनाने हेतु अमरावती में उपस्थित वृंदावन निवासी अरविंद जी महाराज तथा राजस्थान हितकारक मंडल के अध्यक्ष व मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल के हाथों इस छात्रावास का विधि विधान पूर्वक शुभारंभ किया गया। श्री मधुसूदन झुंझुनवाला स्मृति बॉयज हॉस्टल का लोकार्पण करते हुए ख्यातनाम कथावाचक अरविंद महाराज ने कहा कि किसी को भी शिक्षा का अवसर प्रदान करना और किसी की पढ़ाई लिखाई के लिए समुचित प्रबंध की व्यवस्था करना भी एक तरह का दान व पुण्य का काम है। शिक्षा देना, शिक्षा की व्यवस्था करना, ये भी एक प्रकार से शिक्षा का दान है। आप लोगों का जो योगदान इसमें लग रहा है, कहीं ना कहीं उन बच्चों का भविष्य बनेगा, वो भी याद करेंगे भाई हम जहाँ रह करके पढ़े हैं, खाए हैं, जिन्होंने व्यवस्थाएं की हैं उनका भी पुराने बात को गाएंगे। भविष्य में ऐसा कि कोई IPS बनेगा, कोई बड़ा डॉक्टर बनेगा, कोई बहुत बड़ा यहाँ से नेता भी निकल सकता है। भविष्य में वो आएंगे यहाँ और आप लोगों का पुराने बात गाएंगे और धन्यवाद करेंगे आने वाली जितनी पीढ़ियाँ, क्योंकि आज समाज में ना कहीं अच्छा रहना मिलता है, ना अच्छा कहीं खाना मिलता है। और जो परिवार अपने बच्चों को भेजते हैं वो यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा शहर जा कर के बिगड़ ना जाए, कहीं गलत संगत में ना चला जाए। तो आन अब ये तो संपन्न लोग, कुछ गरीब लोग भी हैं, वो सोचते हैं हमारा बच्चा ऐसी जगह जाए जहाँ सुविधाएं नहीं आए। तो ये जो कार्य हुआ है, समाज का जो कार्य हुआ है, ये निश्चित रूप से सराहनीय है। आने वाली पीढ़ी आप लोगों को याद करेगी और आने वाले समय में आप लोगों को भी जैसे यहाँ का जय जयकार होगी, आप लोगों को भी जय जयकार। इस समय अपने विचार व्यक्त करते हुए राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष व मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल ने कहा कि आज इस छात्रावास के लोकार्पित होने के साथ ही शहर के पूर्व नगराध्यक्ष उमर लाल जी केडिया व वरिष्ठ समाज सेवी आनंदी लाल जी पोद्दार द्वारा बरसों पहले देखा गया सपना साकार हो गया, जिसके लिए उन्हें राजस्थानी हितकारक मंडल का अध्यक्ष एवं अग्रवाल समाज का सदस्य रहने के नाते दोहरी खुशी हुई है। यह राजस्थानी बच्चों के लिए प्रारंभ किया गया और अग्रवाल समाज की ओर से, आप अग्रवाल समाज की शाखा है, इसलिए मेरे लिए दोहरी खुशी है, क्योंकि मैं राजस्थानी हितकारक मंडल का अध्यक्ष हूँ और अग्रवाल समाज का अंग हूँ। दोहरी खुशी में
किसी समय मैं जब बहुत छोटा हुआ करता था, आनंद मिल्ला जी पुर्दा, रुमनलाल जी खिड़िया, इनको हम देखा करते थे। और डॉक्टर भैरव सिंह शेखावत भी जब यहाँ अमरावती आए थे राजस्थानी विचारा मंडल के राजस्थानी महोत्सव में, तो उन्हें कहा था कि राजस्थानी समाज का कहना कि दान दया धर्म होता है, लेकिन दान दया धर्म से हम किसी कारणवश अमरावती का अग्रवाल समाज मुझे लगता है पिछले 5-10 वर्षों में बदल गया, जिसकी नई शुरुआत आप लोगों ने की है मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और इसलिए भी करता हूँ कि यह स्पष्ट तौर पर राजस्थानी बच्चों के लिए प्रारंभ किया गया छात्रावास है। झुंझुनवाला परिवार का अमरावती के अग्रवाल समाज और अमरावती के धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, उनका एक बहुत अहम योगदान है। अमरावती का धार्मिक एवं सामाजिक इतिहास जब भी लिखा जाएगा अग्रवाल समाज का, तो झुंझुनवाला परिवार एवं बाबू जी के नाम के बगैर मुझे लगता है कि यह इतिहास पूर्ण नहीं होगा। चूहों द्वारा दही हांडी फोड़ने की अनुपम झांकी ने नमूना परिसर स्थित सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल को समूचे विदर्भ क्षेत्र में विख्यात कर दिया था। वहीं इस बार नमूना में राजस्थान के खाटू श्याम स्थित श्री श्याम बाबा की झांकी साकार किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसी जानकारी नमूना सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के पदाधिकारियों ने मंडल न्यूज को दी और बताया कि इस विषय में शीघ्र ही अधिक चर्चा करते हुए निर्णय लिए जाएंगे। मेलघाट के 22 आदिवासी बहुल इलाकों में बिजली, पानी, सड़क व मोबाइल कनेक्शन हेतु टावर की व्यवस्था के साथ ही मूलभूत सुविधाओं को देने की मांग को लेकर आज जिलाधीश कार्यालय पर मेलघाट के आदिवासी क्षेत्र के सरपंच, उपसरपंच व मेलघाट बचाव समिति के सदस्य बड़ी संख्या में जिलाधीश कार्यालय पर धमके। इन आदिवासियों द्वारा मांग की गई कि प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द पिछले आदिवासी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को पहुँचाया जाए। इस समय युवा कांग्रेस ने भी कैरी ऑन को लेकर छात्र आंदोलन में छलांग लगाई है और कुलगुरु को निवेदन देकर विद्यापीठ के सामने आज धरना आंदोलन किया। इस आंदोलन में युवा कांग्रेस के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। धारणी नगर पंचायत में तत्काल स्थायी तौर पर अभियंता की नियुक्ति करने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पंकज मोरे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त जिलाधीश रंजीत भोसले को ज्ञापन सौंपा। नौसारी प्रभाग के पूर्व पार्षद लुबना तनवीर नवाब द्वारा आज मनपा आयुक्त व प्रशासक देवीदास पवार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि नौसारी प्रभाग के पैराडाइज कॉलोनी सहित हनुमान नगर व पुंडलिक बाबा नगर क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का सर्वथा अभाव है और विगत 20 वर्षों से इस परिसर में कोई विकास काम नहीं हुआ है। ऐसे में क्षेत्र के रिहायशी परिसरों में विकास कामों सहित सौंदर्यीकरण की ओर ध्यान दिया जाए। युवा कांग्रेस की शहर इकाई द्वारा अधिक मास और श्रावण मास के निमित्त अमरावती से शेगांव वारी हेतु विगत 3 सप्ताह से प्रति गुरुवार को अमरावती से शेगांव के लिए निशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके तहत आज 17 अगस्त की सुबह पुरानी अमरावती परिसर स्थित आजाद हिंद गणेशोत्सव मंडल के प्रांगण से 40 यात्रियों के जत्थे को लेकर निःशुल्क बस शेगांव हेतु रवाना हुई। इस समय शहर के पूर्व महापौर विलास इंगोले व क्षेत्र की पूर्व पार्षद सुनीता भेले सहित कई गणमान्यों ने बस को हरी झंडी दिखाकर शेगांव के लिए रवाना किया। जिला आर्म रेसलिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 गोपालनगर की व्यायामशाला में संपन्न हुई। इस स्पर्धा का 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आयोजन किया गया था, जिसके तहत सीनियर ग्रुप में विशाल दुरुंडे तथा जूनियर गुट में लकी पिंपरे विजयी रहे। शहर पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल ने नशीले पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और जन जागृति करने हेतु सरकारी व्यवस्था में समन्वय पर जोर दिया। गुरुवार को शहर पुलिस आयुक्तालय में इस विषय को लेकर विशेष बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें DCP पाटिल ने कहा कि आपस में तालमेल रखकर नशीले पदार्थों की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है। जिला सामान्य अस्पताल में बीती रात एक घटना के बाद महिला सुरक्षा कर्मी की तत्काल भर्ती किए जाने की आवश्यकता अधूरेखित हुई है। बीती रात इरविन में एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसका पता चलने पर उसकी पत्नी अस्पताल पहुंची। चूंकि वह महिला कुछ समय पहले अपने पति से अलग रह रही थी, इसलिए मृत व्यक्ति की माँ और बहन ने उस महिला के वहां आने पर एतराज जताया, जिसे लेकर दोनों पक्ष की महिलाओं के बीच विवाद हो गया और नौबत मारपीट तक जा पहुंची। परंतु इस समय उन्हें रोकने हेतु कोई महिला सुरक्षा रक्षक मौके पर मौजूद नहीं थी। ऐसे में पुरुष गार्ड ने हिम्मत कर गुत्थम महिलाओं को किसी तरह छुड़ाया, तब कहीं जाकर यह झगड़ा था। वहां करीब 2 माह पहले चांदूरी रेलवे तहसील अंतर्गत मंजरखेड़ा कस्बा के निकट प्रफुल खोंडे नामक युवक ने रेलगाड़ी के नीचे कटकर आत्महत्या कर ली थी। पश्चात प्रफुल के पिता धनंजय खोंडे ने आरोप लगाया था कि एक युवती ने प्रफुल को जालसाजी करते हुए एक मामले में फंसा दिया और वह उससे पैसे वसूल कर रही थी। ऐसे में उक्त युवती के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रवृत्त करने का अपराध दर्ज किए जाने की मांग को लेकर धनंजय खोंडे ने स्वाधीनता दिवस पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी थी, जिसके चलते करीब 2 माह के अंतराल पश्चात पुलिस महकमे द्वारा आरोपित युवती के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। अचलपुर के बिलंदपुरा परिसर में अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए रहने वाली 17 वर्षीय अनुराधा रमेश बर्डे नामक महाविद्यालयीन छात्रा विगत 13 अगस्त से लापता है। ऐसे में उसके परिजनों ने अनुराधा बर्डे की गुमशुदगी को लेकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। साथ ही परिजनों सहित पुलिस द्वारा सभी आम नागरिकों से अनुराधा बर्डे के संदर्भ में कोई भी सूचना रहने पर पुलिस से संपर्क करने का आह्वान किया गया है।
विगत 15 अगस्त को चांदू रेलवे पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रमेश मेश्राम नामक 62 वर्षीय व्यक्ति की उसके खेत में बनी झोपड़ी से लाश बरामद हुई थी। पश्चात गत रोज मामले की जांच करते हुए ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने नागपुर से 5 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया था, जिन्होंने जादू टोने के जरिए पैसों की बारिश करने में टालमटोल करने वाले रमेश मेश्राम को सिर पर फावड़ा मारकर मौत के घाट उतार देने की कबूली दी थी। पश्चात आज पुलिस ने 5 आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उन्हें आगामी 21 अगस्त तक यानी 5 दिनों तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश जारी किया है। अंजनगांव सुरजी के संगई प्लॉट परिसर में किराए का घर लेकर रहने वाली महिला के घर में उसके परिचित रहने वाले तथा प्रथोट निवासी प्रफुल्ल चौहान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना 15 अगस्त की रात घटित हुई थी, जिसके बारे में 16 अगस्त की सुबह जानकारी सामने आई। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 27 वर्षीय युवक के साथ मारपीट करते हुए उसके पास से सोने की चेन व मोबाइल सहित 58,500 रुपए का माल लूट लिया गया था। यह घटना विगत 14 अगस्त की शाम 6 बजे के आसपास छत्तीतला परिसर में घटित हुई थी। इस मामले को लेकर राजापेट पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करने के साथ ही 3 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया। मामले की जाँच जारी है। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा शहर से तलीपार किए गए गुंडों की नियमित निगरानी के आदेश अब असर दिखा रहे हैं, जिसके चलते रोजाना ही एक दो बदमाश तलीपारी आदेश का उल्लंघन करते हुए शहरी परिसर में पकड़े जा रहे हैं। इसी कार्रवाई के तहत बीती रात 5 तलीपारों को पुलिस ने शहर में घूमते हुए हिरासत में लिया। विगत 19 जून को वडाली परिसर के परिहारपुरा में रहने वाले प्रदीप प्रेमलवार की होंडा शाइन दोपहिया को किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर के सामने से चुरा लिया था। इस मामले की जांच करते हुए फ्रेजरपुरा पुलिस ने वडाली परिसर के देवीनगर में रहने वाले मनोज यादव को वाहन चोरी के मामले में पकड़ने के साथ ही उसके पास से चोरी का दोपहिया वाहन भी जब्त किया। हासेगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत भातकुली तहसील के एक गांव में चचेरे ससुर द्वारा अपनी बहू के साथ दुराचार किए जाने का मामला कल 16 अगस्त को उजागर हुआ। विगत 8 अगस्त को घटित इस मामले की शिकायत मिलने के बाद हासेगांव पुलिस ने कल 16 अगस्त को भातकुली तहसील में रहने वाले सुभाष नामक 39 वर्षीय आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया है। चोरी व सेनमारी की वारदातों को अंजाम देने वाले कुख्यात चोर को ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने विगत 15 अगस्त को मध्य प्रदेश के बैतूल से अपनी हिरासत में लिया, जिसके पास से 2,20,000 रुपए का साहित्य भी जब्त किया गया। इस चोर का नाम वेंकटी रामा घोड़मारे बताया गया है। अवैध बिजली चोरी मामले में जिला न्यायालय ने शहर के बजरंग नगर में रहने वाली एक महिला को 1 माह कारावास सहित 1,25,000 रुपए के नुकसान भरपाई की रकम अदा करने की सजा सुनाई है। मायके से दहेज लाने की मांग करते हुए विवाहिता को प्रताड़ित कर घर से बाहर निकाल दिया गया। पश्चात 24 वर्षीय विवाहिता की शिकायत पर मोर्शी पुलिस ने वर्धा जिला निवासी विजय नेहारे व विट्ठल नेहारे सहित एक महिला के खिलाफ पारिवारिक प्रताड़ना व दहेज प्रतिबंधक अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। रहमापुर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में शिक्षिका के पति ने कक्षा 6वीं में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा का विनय भंग किया। इस मामले को लेकर रहमापुर पुलिस ने शिक्षिका के पति के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। यवतमाल जिले की महागांव तहसील अंतर्गत निंगनूर गांव में ससुरालियों द्वारा की जाती प्रताड़ना से तंग आकर रेशमा मुडे नामक 26 वर्षीय विवाहिता ने 2 दिन पहले अपनी 6 वर्षीय बेटी व 3 वर्षीय बेटे को जहर पिला दिया था, फिर खुद भी जहर गटक लिया था। पश्चात तीनों की इलाज के दौरान एक एक कर मौत हो गई थी, जिसके उपरांत रेशमा मुडे व उसके दोनों बच्चों के पार्थिव शरीरों पर गत रोज एक ही चिता पर लिटाकर मुखाग्नि दी गई। जगह के विवाद को लेकर हो रही तकलीफ से तंग आकर अरविंद वाघ नामक व्यक्ति ने विगत 27 जुलाई को बुल्ढाना के जिलाधीश कार्यालय में जहर घटक लिया था, जिसकी इलाज के दौरान 15 अगस्त को मौत हो गई। जिलाधीश कार्यालय में जहर घटकने वाले व्यक्ति की स्वाधीनता दिवस पर ही मौत हो जाने की खबर मिलते ही बुल्ढाना जिला प्रशासन में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। वहीं इस मामले में बुल्ढाना पुलिस ने आत्महत्या हेतु प्रवृत्त करने को लेकर 4 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। अकोला जिले की बारसी टाकली तहसील अंतर्गत महान स्थित काटेपूर्णा बांध में तैरने हेतु पहुंचे 3 युवकों में से एक युवक की गहरे पानी में डूबकर मौत हो गई, वहीं 2 युवक पानी से सुरक्षित बाहर निकल आए। यह घटना कल बुधवार 16 अगस्त को घटित हुई, जब बारसी टाकली निवासी खिजर अहमद शब्बीर अहमद अपने 2 रिश्तेदारों के साथ काटेपूर्णा बांध में घूमने फिरने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तीनों में से एक को भी तैरना नहीं आता था। इसके बावजूद तीनों भी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर और एक दूसरे को पकड़कर बांध के पानी में उतरे थे और आगे बढ़े, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही खिजर अहमद गहरे पानी में डूब गया, वहीं उसके अन्य 2 रिश्तेदार तुरंत बांध के पानी से बाहर निकल आए। हिवरखेड़ के पास स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल व तीर्थ क्षेत्र वारी हनुमान में हनुमान मंदिर की सीढ़ियों के पास राजन्या डोह में डूबकर संग्रामपुर निवासी राधेश्याम इंगले नामक 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना 16 अगस्त को घटित हुई। विगत सप्ताह ही राजन्या डोह में डूबकर एक युवक की मौत हुई थी और एक सप्ताह के भीतर यहां पर इस तरह की यह दूसरी घटना घटित हुई है। फेसबुक पर दोस्ती करते हुए गिफ्ट देने के बहाने मेहकर निवासी पैथोलॉजी संचालक दीपक चैतालकर के साथ 62,67,700 रुपए की जालसाजी की गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। वाशिम जिला अंतर्गत रिसोर्ट पंचायत समिति में उजागर हुए साहित्य खरीदी घोटाला मामले की जांच पूरी हो गई, जिसमें प्रथम दर्शनी दोषी पाए जाने के चलते तत्कालीन प्रभारी गट विकास अधिकारी दीपक सिंह सालूम के कनिष्ठ लेखाधिकारी कैलाश राजगुरु व कनिष्ठ सहायक विशाल सदार को निलंबित कर दिया गया है।
यवतमाल के पारवा पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले जटाला गांव में छोटे भाई ने ही अपने बड़े भाई की पत्थर से कुचलकर हत्या किए जाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यह घटना गुरुवार की सुबह सामने आई। मृतक का नाम शकील खेमरू मसराम बताया गया है। वही आरोपी का नाम मारुति खेमरू मसराम है। मिली जानकारी के अनुसार जटाला निवासी आरोपी मारुति मसराम की पत्नी 1.5 साल पहले छोड़कर चली गई थी। इसके बाद से आरोपी अपनी पत्नी को घर वापस लाने के लिए बड़े भाई शालिक मसराम को कहता था और उसकी पत्नी घर से चले जाने के लिए बड़े भाई को दोषी मानते हुए उसके साथ रोजाना झगड़ा करता था। गुरुवार 17 अगस्त की सुबह दोनों भाइयों में इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद गुस्से में आकर मारुति मसराम ने अपने बड़े भाई शालिक खेमरू मसराम की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। मृतक की पत्नी पार्वताबाई मसराम की शिकायत पर पारवा पुलिस ने धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी छोटे भाई को हिरासत में लिया। मामले की जांच पारवा पुलिस थाने के API प्रवीण लिंगाड़े कर रहे है। अमरावती जिला ग्रामीण पुलिस दल की अपराध शाखा ने आज मुखबिर के जरिए सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए परतवाड़ा शहर में चोरी के इरादे से घूम रहे शातिर चोर को धर दबोचा, जिसका नाम दीपक दांडगे बताया गया है। पता चला है कि बैतूल में रहने वाला दीपक दांडगे एक अंतरराज्यीय चोर है, जिसके पास से ग्रामीण LCB ने बड़े पैमाने पर चोरी का माल बरामद किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।